हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन स्टाइल पिटलम, जो बनता है ग्राम फ्लावर से। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा नमक, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड चिलीज एंड थोड़े से करी लीव्स। तो इसके लिए हमने अराउंड 1 कप बेसन लिया है, जो है ग्राम फ्लावर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम बहुत ही पतला सा बैटर बनाएंगे। इसको बार बार मिक्स करते रहिए ताकि लम्स ना बने। अगर लम्स रहे तो भी आप उसको बाद में मिक्स कर सकते हो जब आप पिटला बनाओगे तब। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि हम इसमें और भी पानी ऐड करेंगे, बट अभी के लिए इतना पानी काफ़ी है। ये देखिए, मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, जो लम्स बने हैं, थोड़े लम्स है वो चल जाएंगे। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो आप देख सकते हो मस्टर्ड सीड्स हमारे क्रैकल हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से करी लीव्स। ये मैंने ड्राई करी लीव्स यूज़ किए हैं। आपके पास अगर वेट करी लीव्स है तो आप वो डालिए, अगर वेट नहीं है तो आप ड्राई डाल सकते हो। इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हम डाल रहे हैं इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली। मैंने अराउंड 4 से 5 चॉप्ड ग्रीन चिलीज यूज़ किए हैं। आपको अगर और फीका चाहिए तो आप और यूज़ कर सकते हो। और मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक डाला है, जो है लहसुन। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ऑनियंस। तो मैंने 2 अनियंस चॉप्ड अनियंस लिए हैं। इसको भी हम मिक्स करेंगे और ये ऑनियंस को हम पकने देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा नमक, और इसको हम मिक्स करके पकाएंगे। दस मिनट तक ऑनियंस को पकाइए। और हमने जो अभी वो बेसन करके रखा था, पानी के साथ मिक्स करके रखा था, वो हम अब इसमें डालेंगे। अभी ये डालने के बाद बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कि आप इसको मिक्स करते रहिए, क्योंकि बेसन आपके पैन को चिपकेगा। बट आप इसको अगर बार बार मिक्स करते रहोगे तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने इसमें और पानी डाला है, क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है, हमें थोड़ा पतला बनाना है। तो आप बीच बीच में अगर पानी डालोगे तो भी चलेगा, एक साथ डालोगे तो भी चलेगा। तो मैं इसको कंटिन्यूसली मिक्स कर रही हूँ। ये आपको लम्स जो दिख रहे हैं वो आप उसको प्रेस करके उसको मिक्स कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसको हम थोड़ी देर पकाने को रख देंगे, क्योंकि ये बेसन बहुत अच्छे से पकना चाहिए, वरना वो कच्चा रह जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना थिक बना है, परफेक्ट बना है, लम्स भी नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं वापस एक बार मिक्स करूँगी, 2-3 मिनट पकाऊँगी। और बस, इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसको आप गार्निश कीजिए कोरिएंडर लीव्स से, एंड दैट्स इट।
हमारे बेसन पिटले इज रेडी।